We have never endorsed violence. We are opposed to armed conflict of any sort and the physical abuse of any human being anywhere. We are not so sympathetic to animals, though, and we apply an extremely strict criterion to define humanity, and those who resort to physical violence can safely assume that they do not fit into that narrow criterion and so are in danger of being classified as animals by us. And may we remind you, we are not the PETA. We can be extremely violent against animals who walk around on two legs with a cabbage as their brain. Look before you cross us, you violent bastards. Welcome to Jai Hind. आज मैं स्लिम लग रहा हूँ ना? असल में मैंने कल भूख हड़ताल की थी. नहीं, चाचा, करप्शन के खिलाफ नहीं. मेरी कार की चाबी नहीं मिल रही थी, तो मैंने हड़ताल की कि सरकार चाबी ढूंढ के. आजकल यही है, मतलब जो भी प्रॉब्लम हो सीधा भूख हड़ताल पे बैठ जाओ. उसे सॉल्व करना तुम्हारा काम नहीं है. तुम्हारा काम है भूख हड़ताल पे बैठ के दूसरों को धमकी देना कि तुम मर जाओ. लेकिन मुझे समझ में नहीं आता, हड़ताल पे तुम एक तो खुद बैठे हो, उसके बाद ये भी कह रहे हो कि मर जाओगे, उसके बाद जिसे गाली दे रहे हो उसे ही बोल रहे हो कि वो खुद जेल जाके तुम्हें बचा ले. मजा तब आएगा जब किसी दिन सामने वाला भी भूख हड़ताल पे बैठ जाए, है ना? कि मतलब सोचो यहाँ पे रामदेव बाबा, तो यहाँ पे गवर्नमेंट भी बैठगी भूखा. फिर अच्छा कंपटीशन होगा, मतलब जो पहले आउट होगा वो दोषी. वो होता है ना, किसने पहले आंख झपकाई. खैर, हाल ही में बाबा रामदेव की भूख हड़ताल सभा पे पुलिस ने धावा बोल दिया, लाठी चार्ज और टीयर गैस से हमला कर दिया. टीयर गैस देखकर ज्यादातर भक्त तो पहले खुशी से कूदने लगे कि उन्हें लगा कि तपस्या से खुश होकर भगवान प्रकट होने वाले हैं. लेकिन फिर देखा तो पता चला दिल्ली पुलिस के जवान प्रकट हो गए और बाबा रामदेव को भागना पड़ा. इस बारे में और बात करने के लिए चलते हैं अपनी थ्री वे कॉन्फ्रेंस में, जहां हमारे साथ एक तरफ बाबा के असिस्टेंट बालकृष्ण, दिल्ली पुलिस के इंस्पेक्टर राजेंद्र हुडा, और बाबा ने जिसके कपड़े पहने थे वो लड़की सैंडी सिंह. सबसे पहले ऑनलाइन बालकृष्ण जी, ये बताइए बाबा ने लड़की के कपड़े क्यों पहने? यही तो अनुलोम विलोम आसन है. दिन में पुरुष यानी कि अनुलोम, रात में स्त्री यानी कि विलोम. और कहाँ जा रहा है कि आप नेपाल से भाग के आए? बस से आया था. भाग के तो बहुत दूर है. अच्छा हुडा साहब, अब आप बताएंगे कि आपने बाबा को रात को क्यों पकड़ा? देख भाई सुमित लाल, हम तो जिसे भी धरे हैं रात में ही धरे हैं, और भाई दिन में तो कोई मारे हाथ में आता कोई नहीं. और वैसे भी किस चूतिया ने बाबा को लुगाई बन के भागने की सलाह दी थी? हैं, घना चौधरी बन रहा था. मारे छोरों को तो वैसे भी लेडीज पे घनी नजर रहती है. जेंट्स बच जाए तो बच जाए, लेडीज ना बचने की. हाँ, और आधी रात में तो इम्पॉसिबल है. अच्छा बालकृष्ण जी, आपका कहना है कि बाबा ये लेडीज पोशाक डेली पहनते हैं? हाँ जी, बड़ा फायदा है. आजकल इतना पैसा हो गया है कि सेफ्टी से रखने में भी अच्छी है लेडीज की ड्रेस. अच्छा अच्छा, लेकिन हुडा साहब, एक लेडी ने कंप्लेंट की है कि बाबा उस रात उसके कपड़े का बैग लेके भाग गए, उसके बारे में आपका क्या कहना है? ना, पॉसिबल ही नहीं है, हो ही नहीं सकता. मारे होते हुए कोई और सामान ठिसका के ले जाए. इज्जत है हमारी कोई की नहीं दिल्ली में? सामान ठिसकाने का काम मारा है. लेकिन वो लड़की सैंडी सिंह हमारे साथ है, एक मिनट आइए उसी से पूछते. सैंडी, ओ यस. हाँ, तुम वहाँ कैंप में क्या करने गई थी? वेल, माय फ्रेंड्स टोल्ड मी इट्स अ हिप्पी पार्टी. हम लोग डोप आउट होने गए थे. रियली? एंड वी सॉ दीज हिप्पीज, लॉन्ग हेयर, बियर्ड. हम लोग तो जी फ्रीक आउट हो गए थे. एंड देन वी स्टार्टेड डांसिंग एंड स्मोकिंग, टेकिंग ऑफ आवर क्लोथ्स. फिर उसके बाद धुआं धुआं हो गया एंड वी थॉट तो एवरीबॉडी स्मोकिंग. बाद में उठे तो देखा कपड़े गायब थे. आई हैड टू वेयर माय बॉयफ्रेंड्स क्लोथ्स. आई हैव बॉयफ्रेंड, यू नो. ओके ओके सैंडी, ओके, बाकी बातें बाद में, मैं जब दिल्ली आऊंगा ना तब करते हैं. थैंक यू. आना? हाँ हाँ, पक्का आऊंगा, अभी निकल ही रहा हूं मैं. तो
ये था दिल्ली का तमाशा। बाकी है अभी खतरों के खिलाड़ी का सच, एक आदमी जो करता है कार्स से सेक्स और एक मुलाकात आजकल के गाली गलौज वाले लिरिक्स राइटर से। लेकिन सब ब्रेक के उस पार, इस पार क्या है? भारती बीजेपी में वापस आ गए। हाँ, तो मतलब सुषमा स्वराज को दोबारा कभी राजघाट पर अकेले डांस नहीं करना। कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन जनार्दन द्विवेदी पर प्रेस में जूता फेंके जाने की कोशिश के बाद द्विवेदी ने कहा, हमें खबर मिली है कि अटैक वॉज प्रीप्लान्ड। प्रीप्लान्ड? द्विवेदी जी प्रीप्लान्ड ऐसे बोल रहे हैं जैसे उस बंदे ने हेलीकॉप्टर से उन पर जूता फेंका। और पोस्ट प्लान्ड अटैक क्या होता है? अरे हर अटैक प्रीप्लान्ड ही होता है ना। कोई ऐसा भी है क्या जो जूता फेंकने के बाद प्लानिंग करे कि कैसे फेंकू? और कांग्रेस ने ऐसे लोगों को स्पोक्स पर्सन बनाया इसीलिए देश की वाट लग गई। ओसामा की पहली बीवी ने कहा है कि ओसामा सेक्स मशीन था। Okay, मतलब उसे भरोसा था कि ऊपर जाके घंटा कोई वर्जिन नहीं मिलेगी। ओसामा की बीवी का कहना है कि वो इतना सेक्स मेनियक था कि हफ्ते हफ्ते कमरे से बाहर ही नहीं निकलता था। कमरे से बाहर तो हमारे मन्नू जी भी नहीं निकलते। कई कई महीने बेचारे। आई एम श्योर ही हैज डिफरेंट रीजंस। आई होप। अच्छा, सेक्स से याद आया, अमेरिका का एक बंदा कार्स के साथ सेक्स करता है। नो नो नो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जॉर्ज बुश की कोई बिगड़ी हुई औलाद। दिस इज अ रियल गाय। ये देखिए, इस बंदे का कहना है कि ये कई घंटे गाड़ियों से प्यार कर सकता है। आई जस्ट होप किसी दिन इसका दिल नैनो पे ना आ जाए। क्या ये पीडोफिलिया का केस हो जाएगा? चाइल्ड अब्यूज में साला अंदर चला जाएगा। या तो ऐसा भी हो सकता है कि नैनो इतनी गर्म हो जाएगी। ये देखिए, ब्राजील में सरकार पानी कम खर्च करने पर इनाम दे रही है। हमारे यहाँ ऐसी स्कीम चले तो विदर्भ के फार्मर्स को हर साल इनाम मिलेगा। वहाँ पानी है ही नहीं, खर्च कहाँ से करेंगे? हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ट्रूप्स ने एक तालिबान टेररिस्ट को मार गिराया। नहीं नहीं, इसलिए नहीं कि वो तालिबान का आतंकवादी था, बल्कि इसलिए कि वो ब्राउन था। अब बॉलीवुड की नई फिल्म्स यूट्यूब पर फ्री देखने को मिलेंगी। ग्रेट आइडिया, पूरी दुनिया को देखना चाहिए। हमारे साथ थिएटर्स में क्या अत्याचार हो रहा है? YouTube पे होंगी तो किसी दिन हम लोग इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में विथ प्रूफ ले जा सकते हैं कि देखो हम किस टॉर्चर से गुजर रहे हैं हर हफ्ते। अभी हाल ही में एक और फिल्म आई थी, ऑलवेज कभी कभी। इसे YouTube पे तो क्या, ये फिल्म खुद मेरे घर पे चल के आएगी ना तो भी मैं ना देखूं। सोनम कपूर ने हाल ही में ट्वीट किया है कि अगर उन्हें फिर से किसी ये लोन एग्जीक्यूटिव का फालतू फोन आया ना तो शील किल हिम इन अ स्लो पेनफुल वे। आई नो वो स्लो पेनफुल वे का नाम क्या है। आयशा। आयशा, आयशा, वी ऑल फॉल डाउन। इस्माइल दरबार ने कहा है कि एआर रहमान ने स्लम डॉग वाला ऑस्कर अवार्ड खरीदा था। लगता है इस्माइल दरबार ने लास्ट वीक ज्यादा गांजा खरीद लिया है। वैसे हमें इस्माइल दरबार की बात मान भी लेनी चाहिए, वरना अगर उन्हें गुस्सा आ गया ना तो अगले रियलिटी शो में वो पकड़ के अभिजीत या अन्नू मलिक को पीट देंगे।
तालिबान ने कहा है कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स पर हमला करने का हमारा कोई इरादा नहीं है। कितने भले लोग हैं ये, मैं तो कहता हूँ साधु है साधु, मतलब पहले ही बता दिया कि क्या बात है। ओ तालिबान अंकल, ये मेरा फोन नंबर ले लो, ये जो नंबर है ना ये ले लो, जिस दिन भी प्लान बने ना तो हमें प्लीज बता देना प्लीज। हाँ थैंक यू, लव यू। और अभी बाकी है खतरों के खिलाड़ी का पर्दाफाश और एक मुलाकात एक लिरिक्स राइटर से जिसे है गालियां पसंद। बट आफ्टर दिस मेरी शॉप चल जाए। भाइयों बहनों, अपनी अगली फिल्म डर्टी पिक्चर के लिए विद्या बालन बट पैड्स यूज करेंगी। आई होप फिल्म इतनी पेन इन द एस ना हो कि पूरी फिल्म बैठने के लिए हमें भी बट पैड्स यूज करने पड़े। सोनू निगम अपना रॉक बैंड शुरू करने वाले हैं, वो भी इंग्लिश रॉक बैंड। दुनिया खत्म हो ही जाए यार। टीवी पर खतरों के खिलाड़ी का फोर्थ सीजन शुरू हो गया है। दिस प्रूव्स दैट वी हैव अनलिमिटेड कैपेसिटी टू टेक शिट। खतरों के खिलाड़ी का एक बिहाइंड द सीन्स फुटेज हमें मिला है, आइए देखते हैं इस शो का अब तक का सबसे खतरनाक टास्क। देखिए, डर के आगे चुतियापा है। बानी, तुम्हारी निक्कर की जिप आधी खुली है, प्लीज उसे बंद मत करना। कमिंग बैक टू माई पॉइंट, तुम लास्ट कंटेस्टेंट बची हो और अगला टास्क बहुत ही खतरनाक है। मैं करूंगी, आई डू इट। क्या करेगी, क्या करेगी तू? जस्ट जोकिंग। देख, उस काले पर्दे के पीछे जाना है और 20 सेकंड तक वापस नहीं आना है। 20 सेकंड बस। बानी बानी मेरी रानी, पहले टास्क देख तो ले, तेरी निक्कर की जिप इट ट्विंकल। तो हंसना बंद कर, रोडी हूं मैं, गाली देना थप्पड़ मारना बचपन से जानती हूँ। मर्दों वाले शौक रखती हो। जा जाके टास्क कर, सारा पर्दा निकल जाएगा। 20 सेकेंड मिनिमम स्टार्ट। मैं नहीं देख सकती, वो क्या है? वो क्या दिखा रहे हो? क्यों, क्या हुआ मैडम? कुत्ते, तूने अंदर हाउसफुल की फिल्म रखी है, मर जाती तो क्या होता? क्यों नहीं बनना खतरों की खिलाड़िन? चूतिया नहीं बनना, चल हट। ये ले थोड़े पैसे, दांत अंदर करवा के आना। So nice of you. एक बार फिर मैं ही करूंगा फाइनल टास्क, मैं ही बनूंगा खतरों का खिलाड़ी और मैं ही आऊंगा तुम्हारा दिमाग खाने अगले सीजन में। अभी बाकी है एक मुलाकात एक लिरिक्स राइटर के साथ एक छोटे से अंतराल। आजकल क्या मस्त मस्त गाने आ रहे हैं हिंदी फिल्मों में, बन गया कुत्ता, देखो बन गया कुत्ता, भाग भाग बोस डीके, भाग बोस डीके, भाग भाग आंधी आई है। कमाल के कुत्ते, कुत्ते नहीं सॉरी, कमाल के लिरिक्स है। आज हमारे स्टूडियो में हमने एक ऐसी लिरिक राइटर को इनवाइट किया है ये जानने के लिए कि कहां गए वो दिन जब हिंदी फिल्मों के गानों में पोएट्री होती थी, एक मिठास होती थी। अब वो पोएट्री कहीं मिस हो गई है,
ऐसा क्या हुआ है कि अब लिरिक्स राइटर को इंग्लिश वर्ड्स पे ज्यादा जोर देना पड़ रहा है, ना इंस्पायर होना पड़ता है। आइए जानते हैं मजनू वेगाबोंडिया से। आपका हमारे शो में बहुत स्वागत है मिस्टर वेगाबोंडिया। यार ये तो मजनू तो समझ में आता है, ये वेगाबोंडिया का क्या मतलब है? जिस तरह से साहिर लुधियानवी है, गौहर कानपुरी है, मजरू सुल्तानपुरी है, उसी तरह मैं वेगाबोंडिया। मतलब लुधियाना है, कानपुर है, सुल्तानपुर है, ये वेगाबोंडपुर किधर है मेरे भाई? पहले ये बताओ कि टायरपुर किधर है? टायरपुर ये क्या है? लेट मी गेस, अफ्रीका में? नहीं नहीं, टायरपुर किधर भी नहीं, पर अब्बास टायर वाला है ना, और जिस तरह अब्बास टायर वाला है उसी तरह मजनू वेगाबोंडिया। अच्छा ये क्या हो रहा है आजकल वेगाबोंडिया, कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में अजीब अजीब से गाने आ रहे हैं, ये बोस डीके तो आ गया है, और क्या क्या आने वाला, क्या क्या हमें सुनना है? दिल्ली में रहती है, और गणपत राय के साथ साथ देर वाज ए ब्राउन क्रो एंड देर वाज ए कोल्ड डे को भी अपनी लिरिक्स में मैंने इंट्रोड्यूस किया है, आगे गाने सुनने को मिलेंगे। एक मिनट, क्या देर वाज ए ब्राउन क्रो, देर वाज ए कोल्ड डे, ये क्या है? देर वाज ए ब्राउन क्रो को फास्ट बोलो तो इट साउंड्स, दरवाजा बंद करो, दरवाजा बंद करो, दरवाजा ब्राउन करो, दरवाजा बंद करो, दरवाजा बंद करो, दरवाजा कोल्ड डे को फास्ट बोलो तो इट साउंड्स, दरवाजा खोल दे, 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 दरवाजा खोल दे। मैं आपको लिरिक्स पढ़ के सुनाता हूँ, गाने के बोल हैं, दिल्ली में रहती है, दरवाजा खोल दे, दरवाजा खोल दे, क्यों गणपत रहा है, क्यों गणपत रहा है, मुझे अंदर लेकर दरवाजा बंद करो, दरवाजा बंद करो, मे लॉन्ग है, मे लॉन्ग है, मे लॉन्ग है, मे लॉन्ग है, मे लॉन्ग है। एक मिनट, क्रिएटिव, क्रिएट, 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 क्रिएटिविटी कुछ बोल नहीं पा रहा हूँ आपके सामने, क्रिएटिविटी के नाम पर कुछ भी करोगे, क्या हो रहा है ये? समित जी आप मैं लॉन्ग है को फास्ट फास्ट बोलो, बोलो मैं लॉन्ग है, मैं लॉन्ग है, मैं लूंगा, मैं लॉन्ग है, मैं लूंगा। म्यूजिक प्लीज, म्यूजिक प्लीज, अब मैं आपको लिरिक्स गा करके सुनाता हूँ, तब आपको समझ में आएगा। दिल्ली में रहती है, दिल्ली में रहती है तो दरवाजा खोल दे, दरवाजा खोल दे, क्यों क्यों गणपत राय, गणपत राय, गणपत राय, मुझे अंदर ले गए, दरवाजा बंद करो, दरवाजा बंद करो, मैं लूंगा, मैं लूंगा, मैं लूंगा, मैं लूंगा। मेरे भाई दंगे करवाएगा कंट्री में, ये दंगे, और क्या हो क्या रहा है, ये क्या है? ये लिरिक्स है, लिरिक्स पोएट्री, आमिर खान को पसंद है ऐसी। अरे इसमें पोएम कहाँ है, पोएट्री कहाँ, ये तो क्लियर वल्गैरिटी है। इसमें पोएट्री के साथ साथ इंटेलिजेंस भी है ना। लुक, आई विल एक्सप्लेन, एक पुराने गाने के लिरिक्स सुनाता हूँ मैं, सुनो। चंदन सबदन चंचल चितवन, धीरे से तेरा वो मुस्काना, मुझे दोष न देना, जग वालो हो जाऊं अगर मैं दीवाना। चंदन सबदन चंचल चितवन, बिल्कुल बिल्कुल यार, ये गाना किसे पता नहीं है, मतलब पहला प्यार याद आ गया, क्या लिरिक्स, क्या पोएट्री दिया, माइंड सुपर। एक मिनट, अब एक बात बताओ, जो कैरेक्टर ये गाना गा रहा है जी, अगर उसे पता चल जाए कि जिसके लिए वो ये गाना गा रहा है उसके साथ सेक्स करने को नहीं मिलेगा, तो क्या वो ये गाना गाएगा? अबे घुस जाएगी उसकी पोएट्री डोंकी की गन में। मैं थोड़ा क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मुझे ये गाना सुनकर अपना पहला प्यार याद
नहीं आया है और तुम पॉइंट पर आओ, तुम्हारी वल्गर लिरिक्स में पोएट्री और इंटेलिजेंस कहाँ है? इंटेलिजेंस पहले सेक्स करने में है और सेक्स के बाद पैदा हुए सेटिस्फैक्शन से पोएट्री बोलने की, इसलिए मेरी लिरिक्स में पहले सेक्स और बाद में पोएट्री है। चलो मान लिया सेक्स तो हो गया तुम्हारी लिरिक्स में, अब पोएट्री बताओ कहाँ है तुम्हारी लिरिक्स में, इसके आगे की लिरिक्स बताओ। वो मैंने लिखी नहीं है अभी तक, डायरेक्टर ने साले ने अटका दिया है मुझे है? उसका कहना है कि सीन में लड़की देयर वाज अ कोल्ड डे नहीं, मतलब सीन में लड़की दरवाजा खोलती नहीं, जब दरवाजा खुल जाए और जब सब कुछ हो जाए ना तो पोएट्री के साथ आना हमारे शो में। अब भाग जा, चल चल भाग, म्यूजिक प्लीज, कम ऑन म्यूजिक। मैं वापस आऊंगा, मैं वापस आऊंगा एक वादे के लिए, एक वादा तोड़ के मैं वापस आऊंगा। मैं वापस आऊंगा, ओके। अरे बंद करो यार, बंद बैंश्योर, बंद बैंश्योर, बंद बैंश्योर। I also need psychiatric therapy, I guess. I'll be back in the next episode. Jai Hind.